स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमिक गेम्स पर। आज हम बात करने जा रहे हैं मैट रीव्स के रॉबर्ट पैटिनसन स्टारर बैटमैन फिल्म की डिटेल्स के बारे में और इसके न्यू लोगो एंड आर्ट पोस्टर के बारे में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को टैप करें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Are you ready to blow? Is it yes or no? Pull the trigger and go. Are you ready to blow? It's a yes or no? Pull the trigger and go. फैंडम की तैयारी DCU में बड़े पैमाने पे चल रही है और हम फैंस भी इसे लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। और इस फिल्म के टूवर्ड्स हाइप बढ़ाने के लिए मैट रीव्स ने इस फिल्म के लोगो को रिलीज कर दिया है और साथ ही साथ फिल्म के ऑफिशियल आर्ट पोस्टर को भी। लेकिन इस रिलीज से पहले एक छोटी हिंट भी दी गई थी बैटमैन सिंबल को लेकर। इस लोगो को लेकर लोगों में हाइप ऐसे ही बढ़ते जा रही है और इसमें चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं जिमी ली के आर्ट पोस्टर ने। इस मूवी के बैटमैन सूट को डायरेक्ट लिया गया है बैटमैन की डार्क विक्ट्री कॉमिक बुक से। ये मूवी पूरी तरह से बैटमैन की कॉमिक अडेप्शन होगी। बैटमैन की बाइक से लेकर इसकी थीम को भी बैटमैन की कॉमिक बुक से ही लिया गया है। बैटमैन के सूट में उसकी आंखों में कॉमिक की तरह व्हाइट लाइट भी रहेंगी और साथ ही साथ इस मूवी में बैटमैन यूनिवर्स के और भी कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे जैसे कैट वुमन और रेड लेयर को। ये मूवी अक्टूबर 2021 के लिए सेट है और इसका टीजर हमें कल आने वाली DC फैंडम में देखने को मिलेगा जो इंडियन टाइम के हिसाब से कल रात 10:30 में शुरू होगा। और साथ ही साथ एक न्यू अपडेट भी निकल कर सामने आई है। वैनिटी फेयर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की माने तो बेन एफ्लेक अपने बैटमैन के रोल में वापस आएंगे फ्लैश की आने वाली सोलो फिल्म में। उनका वापस आना DC में भी एक मल्टीवर्स का इंडिकेशन देता है जो कि 3 डिस्टिंक्ट DC वर्ल्ड्स का होगा, द स्नाइडरवर्स, DCU फ्रेंचाइजेस और थिएट्रिकल DC यूनिवर्स। बैटमैन मल्टीवर्स को देखना हम फैंस के लिए बड़े ही मज़े की बात होगी और ये एक हाइप भी क्रिएट करेगा हम फैंस के लिए इस मूवी को लेकर। और अब थोड़ा बात करते हैं हमारे अपने एक देसी एक्टर की जो कि काफ़ी टैलेंटेड है और खूब कमा रहे हैं, जिन्हें हम फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में भी देख चुके हैं और वो है हमारे अपने अली फैजल। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। उनकी आने वाली फिल्म डेथ ऑन द नाइल है जिसमें वो हमें DC के वंडर वुमन गर्ल गैडेट के साथ दिखेंगे। ये एक अमेरिकन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जो कि 1937 की नॉवल जो कि सेम नेम से आई है उसी पर बेस्ड है। ये फिल्म फॉलोअप होगी 2017 की मूवी मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस से, जिसमें फिर से हमें ब्रैनक दिखेंगे हरक्यूल पायरट के कैरेक्टर में और अली फैजल एंड्रयू के कैरेक्टर में। साले हॉर्न गान में डाल देंगे अभी, पा 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 हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या, हम बात कर रहे हैं ना, घोड़ के निकल। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियोस को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस अपना प्यार बनाए रखें, हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहेंगे और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आप नेक्स्ट कौन से कैरेक्टर और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सपोर्ट अस बाय क्लिकिंग ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड टैप ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।